हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने फाइनली बोल दिया है कि अब आपको ये लास्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। और वो मैं अब करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर को बताया कि मेरी जो है हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मैंने दवा खा के आपका देख लिया है, एक महीना हो गया और डेंगू खत्म हुए, डेंगू मतलब मुझे ठीक हुए 2 महीना हो गया, बट अभी तक मेरा बाल कंटिन्यू गिर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? तो डॉक्टर ने अब मुझे एक चीज बोला है करने के लिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर के पास मैं गया था और डॉक्टर को मैं बताया कि आपने जो दवा दिया था चेंज करके, उसको मैं एक महीना तक कंटिन्यू खाया, न्यूट्रिशन लिया, शैम्पू लगाया, सब कुछ किया, बट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी भी बाल गिर रहे हैं, नहा रहा हूं तो बाल जा रहा है, हाथ में आ रहा है, शैम्पू कर रहा हूं या फिर सीरम लगा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, बाल जैसे के तैसे। तो अभी क्या करना है, कैसे करना है, आप कुछ बताओ, क्योंकि मुझे कंट्रोल करना है एनी हाउ। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, जो की है ब्लड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब मुझे ब्लड टेस्ट करके देना होगा उनको। उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला है और लिख के दिया है कि ब्लड टेस्ट ये आपको कराना है और करा के मुझे रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको मेडिसिन मैं दूंगी। तो उन्होंने बोला है और लिख के दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन सा ब्लड टेस्ट है। तो दोस्तों, मैं चेक करूंगा, अगर नियर बाई में कोई लैब होगा तो वहाँ पे जाना है, मुझे पता करना है कि मुझे ये टेस्ट करना है और इसमें कितने पैसे लगने वाले हैं। वैसे मैं एक जगह पता भी किया था तो वहाँ पे काफी ज्यादा बताया था, आई थिंक 4,000 के करीब में बताया उन्होंने, तो ये काफी ज्यादा है। तो मैं डॉक्टर को फोन किया, उनसे पूछा कि ये तो मैडम बहुत ज्यादा है, 4,000 के करीब में ब्लड टेस्ट है और इतना काफी ज्यादा अमाउंट है मेरे लिए थोड़ा सा अभी। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं और पता करो, दूसरी जगह पता करो, इससे सस्ता भी होता है, 2,000-1,500 में भी हो जाता है, 2,500 तक लास्ट आपको हो जाए। तो उन्होंने बोला कि मतलब आपको जल्दी से जल्दी हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको टेस्ट करा के हमको दिखाना है यानी। तो मैं बोला ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, बट एक हफ्ता हो गया है, मैं अभी तक कराया नहीं हूँ, बट मैं कराऊँ। सो देखते हैं मैं कब कराता हूँ, जल्दी कोशिश करूँगा कराने के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लड टेस्ट कौन सा है। आपको शायद समझ में आए या ना यहाँ से कैमरे में, बट मुझे तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कुछ देख सकते हो, ये है दोस्तों, ये डॉक्टर का सिग्नेचर है और इधर है इसमें लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों की आपको समझ में आएगा और थोड़ा उल्टा भी शायद दिखेगा। तो इसमें एक्चुअली CBC, विटामिन बी थ्री, विटामिन B12 और भी दो हैं, वो समझ में नहीं आ रहा हमको, तो ऐसा कुछ है। सो इसको मैं कराऊंगा, अभी देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, मुझे फाइनली ये कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सोच लिया हूँ कि अब जो सब कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, शैम्पू सीरम कंडीशनर दवा ले लिया, ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो एक चीज़ के लिए मैं अभी पीछे नहीं हट सकता। मैं सोच लिया हूँ कब कराना ही, तो मैं ब्लड टेस्ट ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं अगर कंट्रोल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो टाटा बाय कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है और काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक 6 महीना होने वाला है। मैं डेंगू से पहले तो रुक ही गया था, बट डेंगू होने के बाद एक हफ्ता के ठीक होने के एक हफ्ते बाद फिर गिरना चालू हो गया और तब से कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो 2 महीना से ऊपर हो गया, 2 महीना मतलब हो गया, तो अभी तक तो बंद हो जाना चाहिए था, अगर दवा मैं खा रहा हूँ तो सब कुछ ले रहा हूँ। तो मैं ब्लड टेस्ट करा के तो पक्का दूंगा ही दूंगा, और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है दवा खाने के बाद वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं टाटा बाय बाय कर दूँ, देखते हैं क्या करना है, मैं जो भी होगा आपको बताऊंगा। तो चलो फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे होता है, कौन से लैब में, जो कि कम पैसों में हो जाए। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और मैं आपको करा के रिपोर्ट में क्या आता है, जो भी आता है, कहाँ पे ब्लड टेस्ट कराता हूँ, कौन से लैब में कराता हूँ, ये सब बताऊँगा आपको, दिखाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा पूरा। तो दोस्तों, आप इसी तरह वीडियो में बने रहो, और आपको क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, अभी इतना दिन हो गया है और आगे कैसा होता है, रुकता है नहीं रुकता है, कंप्लीट करने के बाद सब कुछ पता चलेगा और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। सो चलो, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।